तो अभी एक VFX करने का सोचेंगे यहाँ पर क्राउड में। चलिए कोशिश करते हैं, कर सकते हैं तो करेंगे जरूर। तो गाइस स्टेडियम में आने का ये मजा है, ऐसे मजा आता है, पता है आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको फिर से एक न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप देखने, हम लोग का राहुल क्लब बिरसा मुंडा स्टेडियम में और मेरा दोस्त। तो चलिए चलते हैं। चलो कैसे जाएंगे आज? गाड़ी में नहीं जाएंगे हम, तेरे को लेके जाना कैसे जाएंगे? चलो तुम निकलो, मैं सब रेडी करके रखा हूँ। अरे सच में बोल रहा हूँ यार, यहाँ घुसेंगे डायरेक्ट स्टेडियम में निकलेंगे, यहीं पर आओ आओ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम, और उधर है स्टेडियम। तो चलिए चलते हैं हॉकी देखेंगे, बहुत टाइम हो गया, हम लेट हो चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं और गेम भी स्टार्ट हो चुका है। आपको दिखेगा कि नहीं यहाँ से डिस्प्ले। तो चलिए घुसते हैं, टिकट विकेट शो करेंगे, चेकिंग होगा, उसके बाद स्टेडियम के अंदर मिलते हैं आपके साथ। तो गाइस हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं 6 नंबर गेट में, और आज इंडिया का मैच नहीं है, मलेशिया और नेदरलैंड का शायद है, उसको देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ बहुत स्कैम चल रहे हैं, यहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा है, सबको स्कैम कर रहे हैं, मतलब ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं, इंडिया का टिकट बहुत दाम में, तो हम लोग को मिला नहीं। और जिस दिन टिकट बिक्री हो रहा था उसी दिन हम लोग को टिकट ही नहीं मिला, सोल्ड आउट दिखा रहा है। तो जो भी मिला जाएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अपना राहुल क्लब में खेल हो रहा है तो एंजॉय करेंगे, अपना स्टेडियम देखेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग में। डोनेशन दे चलिए। हम लोग पहुंच चुके हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम, और आइए साथ में मिलके देखते हैं हम लोग का स्टेडियम कैसे है और एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग स्टेडियम के पास पहुंच चुके हैं, ये रहा हम लोग का स्टेडियम बिरसा मुंडा रॉयल क्लब स्टेडियम, अभी अंदर जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है मैच देखने के लिए, चलिए चलते हैं। प्यास लगा है, हम लोग को पानी पीने के लिए आए हैं, शायद फ्री में मिल रहा है, पी लेते हैं। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत धूप लग रहा है, मैं इतना बड़ा स्वेटर लेके यहाँ पर गर्मी से भीग गया हूँ, और अभी आए तो थोड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर अंदर में, देख सकते हो पूरा बहुत मस्त लग रहा है, थोड़ा एसी वैसी चला है, शायद ठंड ठंड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर, और अभी सीट भी मिल गया और बैठे हैं। देखिए इधर का व्यू, प्लेयर सब खेल रहे हैं, और स्टेडियम कुछ इस टाइप का है हम लोग का राहुल क्लब का स्टेडियम। तो चलिए थोड़ा मैच एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गोल! रिव्यू चल रहा है, रिव्यू। Herman, I have a decision for you. There was a
मलेशिया जीत गया और सेकंड में चलो स्टेडियम का क्राउड जैसा वेट करता है हाफ प्लेयर में, आपको भी दिखाएंगे खरीद रहे हैं, बहुत प्यास लग रहा है। ओ भाई फाइनली कोका कोला हम लाए हैं, बहुत देर के बाद इतना लंबा लाइन लगा है। चलिए साइड में चलते हैं और कोका कोला का थोड़ा मजा लेते हैं। आई लाइन लगना पड़ा, उसके बाद मिला है और ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद फिर देखने जाएंगे न्यूजीलैंड एंड नेदरलैंड का मैच है, तगड़ा लगने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। बहुत मेहनत के बाद पॉपकॉर्न मिला है भाई, चबा लेते हैं पॉपकॉर्न, स्टेज में पॉपकॉर्न खाने का मजा ही कुछ और है। गाइस न्यूजीलैंड और नेदरलैंड का मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग लेके हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाते खाते देखेंगे मैच। तो गाइस अभी 2 मिनट का ब्रेक मिला है, अभी स्टेडियम में आपको दिखाएंगे 2 मिनट ब्रेक में क्या होता है। सो गाइस चलिए अभी स्टेडियम से निकलते हैं और बाहर का नजारा देखेंगे, मैच खत्म हो चुका है, बहुत एंजॉय किए हैं और चलिए बाहर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टेडियम से निकल चुके हैं और बाहर में देख सकते हो बहुत भयंकर क्राउड है। और
वन फोर नंबर गेट। तो अभी एक VFX करने का सोचेंगे यहाँ पर क्राउड में, चले कोशिश करते हैं, कर सकते हैं तो करेंगे जरूर। फाइनली हम लोग स्टेडियम से निकल चुके हैं, मैच खत्म हो गया और खूब एंजॉय किए, बहुत मजा लगा। और अभी जा रहे हैं हम लोग घर, तो चलिए चलते हैं। तो गिव अवे वाला वीडियो देखे हो कि नहीं, इधर आई बटन में मिल जाएगा और दो दिन बाकी है, उसके बाद गिव अवे हम लोग अनाउंस करेंगे कि विनर कौन है। तो जाइए वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप कि आप ही हो सकते हो दो टिकट का विनर, तो जाइए वो वीडियो में कमेंट करो। हम लोग तो गायब हो गए थे, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं है, अभी पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस ये है हम लोग का राउरकेला एयरपोर्ट। पहले बहुत खराब दिख रहा था, अभी बहुत सुंदर दिख रहा है। जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ना, तो सब कुछ हम लोग का राउरकेला काया पलट दिया है, पर हम लोग का श्री नवीन पटनायक जी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर किसी दिन किसी न्यू ब्लॉग पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।